Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in the EVS class. I'm sure you all are doing good and having a great time at home. Do take very good care of yourselves, children, so that you stay safe and you stay healthy. This is our EVS class, so take out your EVS book, children, which is Environmental Studies Think Green, book 1, and open page number 109. Okay, like हम कई बार पूछते हैं ना, आज कैसा वेदर है. Especially when we talk to someone who stays in some other city, आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से बात करते हो जो कि उस आपकी सिटी में नहीं रहता है, किसी और सिटी में रहता है, तो हम अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वहां वेदर कैसा है. हाउ इज द वेदर, वेदर कैसा है, वहां का मौसम कैसा है. सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेदर, वेदर हम किसे बोलते हैं. सो द चैप्टर इज वेदर एंड क्लोथ्स. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज वेदर, वेदर किसे कहते हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, वेदर किस किस तरह का होता है, फिर उन वेदर के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, एंड व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दोज क्लोथ्स, जो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं उनका मटेरियल कैसा होता है. सो इन द प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन यू अबाउट वेदर. ये मैंने बताया था कि वेदर किसे कहते हैं. वेदर इज द स्टेट ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी खास, तो किसी खास जगह पे, किसी खास समय पे जो हवा की स्थिति होती है. स्टेट ऑफ एयर का मतलब है कि जो हवा की स्थिति होती है उसे हम कहते हैं वेदर. ठीक है, अभी हवा बहुत ठंडी हो सकती है, बहुत गर्म हो सकती है, बहुत तेज हवा हो सकती है, तूफान जिसको बोलते हैं. ठीक है, स्नोफॉल हो सकता है, रेनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है. सो अलग अलग तरह की हवा की जो स्टेट है वो अलग अलग हो सकती है. एंड वेदर डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. ठीक है, उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर विल नॉट रिमेन द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है रोज वेदर सेम ही रहे, लाइक आजकल ऑलमोस्ट रोज एक सा ही वेदर रहता है, दिन भर गर्मी रहती है. स्टिल इट इज प्रिटी हॉट, काफी गर्मी है. सो वेदर इज ऑलमोस्ट सेम, टेम्परेचर भी शायद सेम ही ऑलमोस्ट आता होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा. बट इट मे हैपन कि वेदर अभी बहुत गर्मी है, सगली बहुत बारिश हो गई. स्पेशली जैसे मॉनसून में जो रेनी सीजन होता है, जब बारिश का टाइम होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सुबह अच्छी खासी धूप है, जिसे आज तो बहुत धूप है, एंड सडनली फिर क्लाउड्स आ गए, बारिश हो गई, खूब तेज बारिश हो गई. उसके बाद बारिश होने के बाद फिर से धूप आ गई. तो क्या हुआ, वेदर चेंज हुआ. इट वॉज ब्राइट एंड सनी, देन स्टार्टेड रेनिंग, खूब बारिश हुई, उसके बाद फिर से ब्राइट एंड सनी हो गया. ठीक है, तो वेदर इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेदर विल रिमेन सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और थ्रू आउट द डे. ऐसा भी हो सकता है कि दिन में दो बार तीन बार भी वेदर चेंज हो सकता है. क्लियर. सो द स्टेट, द वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, एंड द स्टेट में बी हॉट, मतलब गर्म हो सकती है, कोल्ड ठंडी हो सकती है, क्लाउडी, क्लाउडी जिसको हम हिंदी में बदली बोलते हैं, विंडी, विंडी मतलब बहुत तेज हवा वाली हो सकती है, रेनी बारिश का टाइम, स्टॉमी, स्टॉमी मीन्स तूफान, मतलब बहुत तूफानी हवा हो सकती है, स्नोई, स्नोफॉल जब होता है, ड्राई मीन्स बहुत सूखी सूखी हवा, जैसे विंटर्स में
जो एयर चलती है वो बहुत ड्राई होती है, आपको लगता नहीं कि स्किन हमारी कितनी ड्राई हो जाती है, रूखी सी हो जाती है स्किन, उस पर अगर ऐसे आप करोगे तो व्हाइट व्हाइट लाइंस भी बन जाती, इतनी ड्राई हो जाती है। ठीक है, सो वेदर जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब हम न्यूज देखते हैं, अक्सर देखते हैं न्यूज रीडर्स, न्यूज पढ़ने के बाद लास्ट में वो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज का, जैसे मेन मेन जो कंट्रीज है उनका वेदर भी बताते हैं, देन वो हमें ये भी बताते हैं फोरकास्ट भी कि तब नेक्स्ट दो तीन दिन में वेदर कैसा होगा, वेदर अगर रेनी सीजन है, अगर बारिश का टाइम है तो बारिश होगी, होने से कहाँ कहाँ हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, वो वेदर आगे के दो तीन दिन का वेदर भी हमें बताते हैं। ठीक है, सो नाउ टाइप्स ऑफ वेदर। यस्टरडे वी स्टार्टेड दिस चैप्टर वेदर एंड क्लोथ्स, तो कल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि वेदर हम किसे कहते हैं, एक बार जस्ट रिवाइज किया, एंड नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेदर। नाउ द वेदर मे डिफर एवरी डे और इट मे बी द सेम फॉर अ फ्यू डेज, इट कैन ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, मॉर्निंग मे बी सनी एंड द आफ्टरनून इट मे रेन, ड्यूरिंग समर द डेज आर वार्म एंड सनी एज द सन शाइन्स ब्राइटली। द वेदर मे डिफर, डिफर का मतलब है अलग अलग होना, वेदर मे डिफर एवरी डे और इट मे बी द सेम फॉर अ फ्यू डेज, मतलब इसका है कि वेदर जो है वो रोज रोज अलग भी हो सकता है, डिफर मतलब अलग अलग, तो वेदर जो है वो रोज रोज अलग भी हो सकता है और इट मे बी द सेम फॉर अ फ्यू डेज, और वो कुछ दिन तक वैसे ही रह सकता है। जैसे गर्मियों में नॉर्मली इट इज वेरी हॉट ऑलमोस्ट एवरी डे, जब गर्मी का मौसम रहता है, जब गर्मियां रहती हैं स्पेशली अप्रैल में मई में, तो रोज मौसम ऑलमोस्ट एक सा रहता है, दिन में बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है, मे बी टेम्परेचर 1 or 2 degrees ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम फॉर फ्यू डेज, इनफैक्ट फॉर मेनी डेज। तो कई बार वेदर दिन में चेंज भी हो सकता है और कई बार कई दिन तक वो सेम भी रह सकता है वेदर। इट कैन ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, इसका मतलब है कि दिन भर में भी हो सकता है कि वेदर चेंज हो जाए, दिन भर में भी वेदर चेंज हो सकता है। जैसे मॉर्निंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था विंटर्स का, कि विंटर्स में अक्सर मॉर्निंग में इट इज वेरी फॉग, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत कोहरा रहता है, एंड धीरे धीरे जब फॉग हट जाता है फिर थोड़ी देर बाद जब सन निकलता है तो इट बिकम्स सनी, तो सुबह जब कोहरा रहता है बहुत ठंड रहती है, फिर धीरे धीरे जब धूप आ जाती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सो वेदर चेंज हो गया। सो दिन भर में ऐसा भी हो सकता है कि दिन भर में भी वेदर चेंज हो जाए, मॉर्निंग में भी सनी एंड आफ्टरनून इट में रेन, मतलब हो सकता है कि मॉर्निंग मतलब सुबह जो है उस समय खूब ब्राइट और सनी हो, खूब सूरज हो, धूप हो, एंड दोपहर में बारिश हो गई, सडनली बारिश बंद हो गई उसके बाद फिर से धूप आ गई, एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि बारिश भी हो रही होती है और धूप भी होती है साथ में। सो ड्यूरिंग समर द डेज आर वार्म एंड सनी एज द सन शाइन्स ब्राइटली, जो समर होती है गर्मी के दिनों में जो डेज होते हैं, जो दिन मतलब बहुत तेज गर्मी होती है और बहुत धूप होती है क्योंकि उस समय सूरज बहुत तेज चमकता है। नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज, पेज नंबर 110। ड्यूरिंग मॉनसून द डेज आर क्लाउडी एंड इट रेन्स, मॉनसून मतलब जब बारिश का टाइम आता है तो उस समय क्लाउडी मतलब बदली, क्लाउड मीन्स जैसे बादल, क्लाउडी मीन्स जब बदली रहती है, जब आसमान में बहुत ग्रे ग्रे क्लाउड्स रहते हैं, बारिश वाले क्लाउड्स, तो मॉनसून के टाइम पे मतलब बारिश के टाइम पे जब बदली रहती है और बहुत बारिश होती है। ठीक है, सनी डे, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सनी डे, सनी डे दैट इज वेन द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, मॉनसून में यू कैन सी क्लाउडी डे, देख रहे हो यहाँ पे क्लाउडी डे में ग्रे ग्रे से क्लाउड्स दिख रहे हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स रेनिंग, सो दिस इज रेनी डे, जब बारिश होती है तो वो रेनी डे है, जब क्लाउडी रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं बारिश वाले, बट बारिश नहीं होती है, देन इट इज क्लाउडी डे। तो बारिश के टाइम पे मॉनसून के समय में जो डेज होते हैं अक्सर बहुत क्लाउडी मतलब बहुत बदली वाले होते हैं, एंड बारिश होती है।
grey or black colored clouds make a cloudy day. Cloudy day हम कब कहते हैं? When do we say it is a very bright and sunny day? When do we say it is a cloudy day? Cloud मतलब बादल. तो जब बहुत तेज धूप चमक धूप होती है, जब सन पूरा ब्राइट शाइन करता है, एकदम तेज धूप होती है, तो वी से इट इज अ ब्राइट एंड सनी डे. जब क्लाउड्स होते हैं, मतलब आसमान में जैसे क्लाउड्स होते हैं, तो वो सूरज को भी ढक लेते हैं, सूरज के ऊपर आ जाते हैं, सन के ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून, बारिश के टाइम पे. जो बारिश वाले जो क्लाउड्स होते हैं, दे आर नॉट व्हाइट. ऐसे जब आप आसमान में क्लाउड्स देखोगे तो दे आर एब्सोल्युटली व्हाइट. बट जो रेनी सीजन में, बारिश में, मॉनसून के जो क्लाउड्स होते हैं, दे आर ग्रे और ब्लैक. ग्रेइश ब्लैकिश जो क्लाउड्स होते हैं, दे आर रेन क्लाउड्स. वो बारिश कराते हैं. तो बारिश में कई बार क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो सन को बिल्कुल कवर कर लेते हैं, सन ढक जाता है पूरा. तो इसीलिए हमको कई बार दिन में भी बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है. सो ग्रे और ब्लैक कलर्ड क्लाउड्स मेक अ क्लाउडी डे. क्लाउडी डे हम कब कहते हैं? जब आसमान में ग्रे या ब्लैक से क्लाउड्स होते हैं, देन वी से इट इज अ क्लाउडी डे. आज बहुत बदली है. व्हेन रेन फॉल्स इट मेक्स अ रेनी डे. जब बारिश होती है तो रेनी डे हो जाता है. रेनी डे का मतलब ये नहीं कि छुट्टी हो जाती है. रेनी डे मतलब रेन्स हो रही है, देयरफॉर इट इज अ रेनी डे. वी मे सी अ रेनबो टू आफ्टर द रेन्स. हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रेनबो हमको कब दिखाई पड़ता है. द अर्थ एंड द स्काई वाला जो हमने लेसन पढ़ा था, इन दैट लेसन वी टॉक्ड अबाउट रेनबो. कि रेनबो जब हम बारिश के बाद, जब सन की रेज जो वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती हैं, देन वी सी द रेनबो. तो वी मे सी अ रेनबो टू आफ्टर द रेन. इट इज नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है कि आपको रेनबो दिखाई ही पड़े. हो सकता है बारिश के बाद हमें कभी कभी रेनबो भी दिखाई पड़ता है. डिड यू नो समटाइम्स वी गेट टू सी लाइटनिंग एंड हियर साउंड्स अलोंग विथ हेवी रेन. दिस इज नोन एज थंडर स्टॉर्म एंड इट अकर्स मोर इन समर एंड मॉनसून देन इन विंटर. कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, बारिश के दिन में बहुत तेज बादल गरजते हैं. जब एकदम ग्रे ग्रे से क्लाउड्स आ जाते हैं, ब्लैक से क्लाउड्स आ जाते हैं, देख करके हमें समझ में आता है कि अभी बहुत तेज बारिश होगी. उसके पहले कई बार होता है बहुत तेज बिजली चमकती है, बहुत तेज बिजली कड़कती है, बहुत तेज बादल गरजते हैं, गड़गड़ 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 बादल गरजने की आवाज आती है. सो लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना एंड हियर साउंड्स. साउंड मतलब जैसे जो बादल गरजते हैं, बहुत तेज जो आवाज आती है, अलोंग विथ हेवी रेन. फिर बहुत तेज बारिश के साथ बहुत तेज बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बहुत डर सा लगता है ना उस समय. उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म, मतलब सॉर्ट ऑफ जैसे तूफान. तूफान में तो हवा की भी बहुत तेज स्पीड होती है, बहुत तेज, वेरी फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड. ये हमने पढ़ा था पिछले लेसन में. एंड जब तूफान आता है तो बहुत तेज बारिश भी होती है. लेकिन जब जैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तभी भी बहुत तेज बारिश होती है. एंड दैट टू कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज. उसमें भी बहुत जगह बहुत डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है. क्योंकि जो बिजली चमकती है, कई बार न्यूज में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि लाइटनिंग से पीपल डाई, कहीं पे बिजली गिरी और लोग को करंट लगा, करंट से मर गए, या एनिमल्स मरते हैं, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, क्रॉप्स का नुकसान होता है. सो दिस इज नोन एज थंडर स्टॉर्म. ठीक है, तूफान तो जैसे स्टॉर्म, जो बहुत तेज हवा चलती है, वेरी फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज स्टॉर्म. इसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म. जब बहुत तेज बारिश, मतलब गरज के साथ बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और उसके साथ बारिश होती है, तो उसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म. इट अकर्स मोर इन समर एंड मॉनसून देन इन विंटर्स. बारिश के दिन में ऑब्वियसली थंडर स्टॉर्म ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश का टाइम होता है. तो बारिश में और गर्मियों में ये जो थंडर स्टॉर्म है, ये बारिश के दिन में और गर्मियों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू विंटर. मतलब विंटर में बहुत कम होता है, विंटर में भी बारिश होती है, लेकिन कई बार मतलब इतनी तेज बारिश नहीं होती है कि इतना थंडर स्टॉर्म आए, इतना नुकसान हो, ऐसा भी होता है. इट इज नॉट दैट. नेचर है, नेचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है. वी डू नॉट नो, हमें पता नहीं है कि प्रकृति के, नेचर के क्या रूल्स हैं. तो कभी भी इट इज नॉट नेसेसरी कि बारिश के दिन में
या समर्स में ही थंडरस्टॉर्म आएगा, विंटर में नहीं आ सकता है, विंटर में भी आता है कभी भी, मतलब वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द नेचर। ठीक है, तो एज कंपेयर टू विंटर्स, विंटर्स की तुलना में समर और मॉनसून में तो खैर सबसे ज्यादा आता ही है, बिकॉज वो बारिश का टाइम है। तो जो थंडर स्टॉर्म है वो विंटर्स में थोड़ा कम आता है, बारिश में मॉनसून एंड गर्मियों में ज्यादा होता है। ड्यूरिंग विंटर द डेज आर कोल्ड एंड ड्राई इन हिल्स एंड माउंटेन्स, समटाइम्स इट स्नोज, इट बिकम्स वेरी कोल्ड। विंटर में जो बहुत ठंड होती है, और जैसे मैंने बताया सिंस विंटर में जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, जैसे मॉनसून के टाइम पे बारिश होती है तो हवा में भी बहुत मॉइस्चर रहता है, विंटर्स में जो हवा होती है दैट इज वेरी ड्राई, जो जिसको कहते हैं जब शीत लहर चलती है, कोल्ड वेव चलती है, सो दैट इज वेरी ड्राई, बहुत रूखी रूखी सी हवा होती है वो, इसीलिए विंटर्स में हमारी स्किन भी बहुत ड्राई होती है। विंटर्स में देखोगे ना बहुत जल्दी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, तो विंटर्स में हमें ज्यादा अच्छे से क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है, अपनी स्किन को हमें मॉइस्ट रखना होता है क्योंकि हवा जो होती है दैट इज वेरी ड्राई। विंटर्स में बहुत ठंड होती है, ड्राई होती है, मतलब दे जो है दे आर वेरी कोल्ड वेरी ड्राई, और हिल्स एंड माउंटेन्स में अक्सर ही हम सुनते हैं कि वहां पे स्नोफॉल हुआ, जो हिल स्टेशन होते हैं जो बहुत हाइट पे जो जगह होती है वहां तो थ्रू आउट द विंटर स्नोफॉल होता रहता है, एंड इतना ज्यादा स्नोफॉल कई बार होता है कि लोगों के पूरे व्हीकल्स घर सब बर्फ से ढक जाते हैं, एंड पीपल हु लिव इन दीज हिल स्टेशन, जो हिल्स पे रहते हैं दे हैव अ वेरी टफ टाइम ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में उनको बहुत मुश्किल होती है, वाटर जो होता है वाटर पाइप में पानी जम जाता है, पीने के लिए उनको पानी नहीं मिलता है, फिर वो आग जला जला करके स्नो को मेल्ट कर करके पानी लेते हैं, तो इसीलिए जो लोग हिल्स पे रहते हैं वो विंटर्स के पहले ही घर में बहुत खाने पीने का अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है इतना स्नोफॉल होता है कि उनके यहाँ जहां बाहर से कहीं से जो भी राशन वगैरह आता है रोड सारी कट जाती है, इतना स्नोफॉल होता है। तो विंटर्स में जो स्पेशली जितने जो माउंटेन्स है जितने पहाड़ है वहां थ्रू आउट द विंटर स्नोफॉल होता रहता है, इट स्नोस एंड इट बिकम्स वेरी कोल्ड। पिक्चर में आप देख रहे हो स्नोफॉल हो रहा है, पूरे पूरे जो घर है लोगों के घर लोगों के व्हीकल्स पूरे के पूरे स्नो में दब जाते हैं, इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है। और पहाड़ों पे जैसे हमने इसके प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था कि पहाड़ों पे पूरी बर्फ जम जाती है, एंड विंटर्स के बाद जब थोड़ी गर्मी आती है देन स्नो मेल्ट्स, और फिर वो पहाड़ों से छोटे छोटे स्ट्रीम जो है वो नीचे बहते हैं, नीचे आके नदी में मिलते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ स्नोई डे। देन समटाइम्स अ स्टॉर्म अकर्स विथ हैवी विंड एंड रेन फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड अ स्टॉर्मी डे। स्टॉर्मी मतलब तूफानी। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज हवा के साथ और बारिश के साथ तूफान आता है, जब बहुत तेज हवा चलती है बहुत बारिश होती है तो उसको हम तूफान बोलते हैं कि आज बहुत तेज हवा चल रही है बहुत बारिश हो रही है एकदम तूफान आ रहा है, तो उसको कहते हैं स्टॉर्मी डे। ठीक है, तूफानी। so, जब गर्मी होती है ब्राइट एंड सनी वी से इट इज अ सनी डे ब्राइट डे, व्हेन इट रेन्स वी से इट इज अ रेनी डे, जब बारिश नहीं होती है सिर्फ क्लाउड्स रहते हैं बारिश वाले तो वी से इट इज अ क्लाउडी डे, फिर विंटर्स में अगर स्नोफॉल होता है तो वी से इट इज अ स्नोई डे, जब बहुत बारिश होती है साथ में तेज हवा भी चलती है देन इट इज अ स्नोई डे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर एंड यस्टरडे मैंने बताया था, कल मैंने क्लास में कहा था एक वेदर होता है एंड वन इज सीजन, ऑल दो सीजन इज नॉट गिवन इन योर बुक बट आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट कि सीजन एंड वेदर में क्या डिफरेंस है। वेदर जैसे बताया कि वेदर दिन में कई बार चेंज भी हो सकता है, जैसे जो डेजर्ट एरिया होता है राजस्थान वगैरह जहां पे सैंड होती है, तो जो सैंड होती है बालू इट बिकम्स हॉट वेरी सून एंड इट बिकम्स कोल्ड ऑल्सो, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बहुत गर्म भी होती है,
तो जो डेजर्ट वाला जो पूरा जो डेजर्ट होते हैं वहां पे क्या होता है कि दिन में बहुत गर्मी रहती है, दिन में बहुत गर्मी होगी क्योंकि जो सैंड होती है रेत बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है। एंड इवनिंग होते ही जब सनसेट होता है तो बहुत जल्दी ठंड भी हो जाती है, तो इसीलिए डेजर्ट में बहुत ठंड भी होती है, डेजर्ट में गर्मी भी होती है बहुत ज्यादा और ठंड भी होती है। तो वी कैन से कि मॉर्निंग में तो बहुत वेदर बहुत अच्छा मतलब बहुत वार्म रहता है, एंड इन द इवनिंग इन द नाइट इट बिकम्स वेरी कोल्ड। तो वेदर चेंज हुआ ना, मॉर्निंग में हॉट है रात को ठंडा हो गया। सो दिस इज वेदर, वेदर मे रिमेन सेम फॉर फ्यू डेज और इट मे चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ऑल्सो, दिन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो सीजन होता है सीजन रिमेन्स द सेम फॉर फ्यू मंथ्स। सीजन जिसको हम कहते हैं ऋतु, वेदर इज मौसम। आज मौसम कैसा है, आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, आज यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंडा मौसम है, आज आज बहुत गर्मी है, तो ये मौसम है बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, आज बहुत क्लाउडी है, तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। और सीजन होता है सीजन जिसको हम ऋतु कहते हैं, ठीक है। जैसे गर्मी है तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का सीजन है, ठीक है। गर्मियों में हम जैसे बोलते हैं दैट मीन्स इट इज समर सीजन। ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल से गर्मियां स्टार्ट होती है एंड देन इट कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट टिल अक्टूबर, सो उसको हम कहते हैं समर सीजन, ठीक है। तो सीजन मतलब ऋतु, समर सीजन हुआ, विंटर है, रेनी सीजन है, जैसे जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 3-4 मंथ जब बारिश होती है तो वी से इट इज रेनी सीजन। अक्टूबर में हम कहते हैं दिस इज ऑटम, उसके बाद क्या है देन विंटर, विंटर मतलब जो ठंड का मौसम आता है। फिर विंटर के बाद क्या होता है, जब बहुत ठंड भी नहीं रहती है, इट इज नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। मेनली देयर आर 6 सीजन्स इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे यहाँ मेनली कौन से 6 सीजन्स है, मेनली देयर आर 6 सीजन्स इन आवर कंट्री एंड दीज 6 सीजन्स आर, दीज 6 सीजन्स आर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम समर, समर मतलब गर्मी, समर के बाद क्या आता है रेनी, रेनी के बाद AUTUMN ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, समर रेनी ऑटम विंटर, देन विंटर के बाद आता है स्प्रिंग। 6 नहीं 5 वे गर्मी है, ठीक है। समर मतलब गर्मियां, जब बहुत तेज गर्मी होती है तो ऑलमोस्ट मार्च से गर्मी स्टार्ट होती है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट बहुत गर्मी रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वेदर स्टार्ट्स चेंजिंग, धीरे धीरे मौसम बदलता है ना, सब दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, कंपैरेटिवली गर्मी भी कम हो जाती है दिन में, दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, फिर शाम होते होते देन इट बिकम स्लाइटली कूल, तो दैट इज ऑटम। समर एंड विंटर के बीच में ऑटम आता है, ऑटम जिसको कहते हैं हिंदी में शरद ऋतु, ठीक है। ऑटम को कहते हैं शरद ऋतु। ऑटम में क्या होता है, जैसे समर के बाद में बीच में रेनी भी रहता है जब जून जुलाई में बारिश होती है, एंड देन ऑटम, ऑटम में इट इज नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। ऑटम को हिंदी में जैसे उस समय पत्ते अपने जो है पुराने पत्ते गिरते हैं, न्यू लीव्स आती हैं, तो ऑटम को हिंदी में कहते हैं शरद ऋतु। समर इज ग्रीष्म ऋतु, सबको मालूम है, रेनी इज वर्षा ऋतु, देन ऑटम इज शरद, ठीक है। उसके बाद आती है, उसके बाद शरद के बाद फिर विंटर, जब ठंड में गर्मी बहुत, ठंड में दिन में कंपैरेटिवली ठीक है, शाम को बहुत ठंड हो जाती है, हिल्स पे स्नोफॉल होता है, बारिश होती है, जब बहुत ठंड का मौसम होता है तो उसको कहते हैं विंटर, ठीक है। शीत ऋतु जिसको हिंदी में कहते हैं, फिर विंटर के बाद
फिर जनवरी तक बहुत ठंड रहती है, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड रहती है, फिर धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू होती है। फरवरी का जो टाइम होता है दैट इज वेदर उस समय बहुत प्लेजेंट रहता है, इट इज नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, एंड दैट टाइम यू विल फाइंड लॉट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एवरीवेयर, आपको हर तरफ बहुत रंग बिरंगे कलरफुल फ्लावर्स मिलेंगे। तो स्प्रिंग को कहते हैं वसंत ऋतु, ठीक है, समर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु खत्म होते होते फिर से ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। सो वेदर एंड सीजन, सीजन आर फाइव सीजन्स, एंड सीजन जो है बहुत लंबे टाइम तक कुछ टाइम तक एक ही सीजन रहता है। समर सीजन है, रेनी सीजन है, अभी रेनी सीजन तो कौन सा चल रहा है, रेनी सीजन है, बट रेनी सीजन में वेदर मे चेंज, रेनी सीजन में वेदर जो है वो कुछ दिन तक हो सकता है सेम रहे, वेदर मे चेंज एवरी डे ऑल्सो, वेदर मे चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ऑल्सो। रेनी सीजन है, सुबह बारिश हुई फिर धूप निकल आई तो ब्राइट एंड सनी हो गया, शाम को फिर से बारिश हो गई, ठीक है। तो सीजन जो है वो कुछ टाइम तक सेम है, सेम सीजन चलता है, उस सीजन में वेदर अलग अलग हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन, वेदर और सीजन दोनों एक चीज नहीं है। वेदर इज मौसम जो कि रोज भी चेंज हो सकता है, दिन में दो बार भी चेंज हो सकता है, तीन बार भी चेंज हो सकता है। सीजन रिमेन्स द सेम फॉर सम टाइम, सीजन वही चल रहा है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है। अभी ठंड का समय है तो ठंड के समय में ठंड तो होगी, किसी दिन बहुत ज्यादा ठंड हो गई, किसी दिन क्लाउडी हो गया, इट्स अ क्लाउडी डे टूडे, आज धूप निकल आई तो इट इज अ ब्राइट डे टूडे। तो सीजन रिमेन्स द सेम फॉर सम टाइम, वेदर मे चेंज, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीजन एंड वेदर। नाउ देर आर सो मेनी सीजन्स, वी ऑल वेयर क्लोथ्स, कपड़े हम सब पहनते हैं, बट डू यू वेयर द सेम काइंड ऑफ क्लोथ थ्रू आउट द ईयर, क्या हम सारे साल एक से ही कपड़े पहनते हैं? प्रोबेबली नो, नहीं पहनते हम सारे साल एक से कपड़े। जब बहुत गर्मी होती है तो वी फील लाइक वेयरिंग वेरी लाइट क्लोथ्स, जो कॉटन के हल्के हल्के कपड़े होते हैं हमको वो कपड़े पहनने का मन करता है, सो दैट वी फील बेटर, गर्मी कम लगे। समर में जैसे गर्मी होती है बहुत स्वेट होता है, पसीना होता है, तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं दे एब्जॉर्ब स्वेट, पसीना सोख लेते हैं, तो हमारी स्किन क्लीन रहती है। हल्के कपड़े पहनते हैं वी फील लाइटर, सिंथेटिक या नायलॉन के क्लोथ्स पहनने से वो पसीना नहीं एब्जॉर्ब करते, तो हमारी कई बार उससे स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है। सो वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। हमारी कंट्री में इंडिया में इतने वैरीड सीजन है, मतलब इतना विंटर में एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी, समर्स में एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, तो गर्मी में हम एकदम लाइट कपड़े पहनना चाहते हैं, वी फील लाइक वेयरिंग वेरी लाइट क्लोथ्स, एंड विंटर्स में उतने ही मोटे मोटे भारी भारी कपड़े पहनते हैं। एक स्वेटर पहना अभी भी कांप रहे हैं, अभी भी ठंड लग रही है, फिर एक और स्वेटर पहना, फिर एक और कोट पहना, सॉक्स पहनो, शूज पहनो, कैप लगाओ, ग्लव्स पहनो, कितनी सारी चीजें पहननी पड़ जाती हैं, एंड स्टिल वी फील कोल्ड। एंड समर्स में एज अपोजिट हमको लगता है बस बिल्कुल लाइट, जितना हल्का से लाइट कपड़े पहन सके, वेरी लाइट कलर कलर क्लोथ, हल्के रंग के हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। रेनी सीजन में वी वेयर क्लोथ्स जो कि अगर भीग भी जाए तो जल्दी ड्राई हो जाए, जैसे बारिश होती है, बारिश के दिन में कई बार बहुत बहुत दिन तक धूप में निकलती है तो कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। सो वी प्रेफर वेयरिंग क्लोथ्स सच काइंड ऑफ क्लोथ्स विच गेट्स ड्राई क्विकली। इन इंडिया इन आवर कंट्री देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन एंड दे आर सो वेरीड, इतना सब में वेरिएशन है, इतना सब में डिफरेंस है कि हमको सीजन के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। वी कैन नॉट वेयर द सेम क्लोथ्स फॉर इन एवरी सीजन। समर्स में जो आप इतने लाइट कपड़े पहनते हो वो सेम कपड़े हम विंटर में
नहीं पहन पाएंगे क्योंकि उसमें हमको बहुत ठंड लगेगी। एंड विंटर्स में जो इतने थिक मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वी कैन नॉट वेयर दोज क्लोथ्स इन समर। समर में इतने मोटे कपड़े पहन लेंगे तो कितनी गर्मी लगती है, इतना स्वेट आएगा, पसीना आएगा। तो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से हम अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। देयर मटीरियल इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, सो टूडे वी डिस्कस्ड एंड वी टॉक्ड अबाउट वेदर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एंड देयर मटीरियल। ओके, सो चिल्ड्रन टूडे आई विल स्टॉप हियर ओनली एंड थैंक यू फॉर attending the class and thank you for being with me.